तो ब्लैक एडम मूवी रिलीज हो चुकी है और मुझे उम्मीद है तुम में से ज़्यादातर ने देख भी ली होगी अब तक, और जिसने नहीं भी देखा है तो ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है। मतलब मैं ट्राई करूंगा, अब बातों बातों में ज़्यादा आगे निकल गया तो उसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा। तो मूवी किसकी थी? द रॉक की। तो एक्शन तो होना ही था क्योंकि यार ये उसकी मूवी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है, बाकी वो बाद में देखता है। और क्योंकि ये रॉक की सुपर हीरो मूवी थी तो उसकी VFX और सिनेमाटोग्राफी भी टॉप नॉच थी। मतलब मूवी के फर्स्ट हाफ में ही इतना सारा एक्शन सीक्वेंस था कि इधर इधर हर तरफ एक्शन हो रहा है। मतलब जो आपने ट्रेलर में देखे थे और जो डॉक्टर फेट की फाइट में जो VFX वगैरह यूज हो रहे थे, एटम की फाइट में जो VFX वगैरह यूज हो रहे थे, वो सारे गजब के थे। फिल्म देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अब आ जाते हैं उस पॉइंट पे जो किसी भी फिल्म को ग्रेट बनाती है, यार VFX सिनेमेटोग्राफी तो आप जितना पैसा खर्च करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा और समय के साथ ही आगे अच्छा होता ही रहेगा। तो ये कोई मूवी को एक ग्रेट नहीं बनाती। जो चीज़ एक किसी मूवी को ग्रेट बनाती है वो होती है उसकी स्टोरी। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी मुझे थोड़ी वीक लगी। अब उतनी भी वीक नहीं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से भी बेकार हो या शी हल्क या मिस मार्वल से बेकार हो, उतनी ज़्यादा नहीं। थोड़ा मुझे लगा कि वो लोग जब ब्लैक एडम के ओरिजिन को दिखा रहे हैं उसको वो और सैड और ट्रेजिक दिखा सकते थे जितना कि वो दिखा नहीं पाए। मतलब सिंपल सी स्टोरी थी, ज़्यादा उन्होंने मेहनत नहीं करी थी। इसके अलावा जो चीज़ एक मूवी को और ग्रेट बनाती है वो होता है उसका विलन। इसके विलन में भी उतना कुछ ज़्यादा दम नहीं लगा। मतलब जितने भी कैरेक्टर्स थे ब्लैक एडम के अलावा उनका कैरेक्टर आर्क थोड़ा ठीक नहीं था। मतलब किसी भी फिल्म में आप कैरेक्टर्स को दो रीज़न से डालते हो। फर्स्ट कि आप उस कैरेक्टर्स के बारे में भी उस मूवी में थोड़ा दिखाओगे, उसका एक इंट्रोडक्शन टाइप का होगा ताकि आगे आप उसके ऊपर भी शो बना पाओ। सेकेंड होता है आप उस कैरेक्टर को इसलिए डाल रहे हो ताकि आप मेन कैरेक्टर को और हाईलाइट करके उसे और अच्छे तरीके से दिखा सको, जैसे कि मार्वल हल्क का यूज़ करती है। तो इसमें ज़्यादा देख के ये लग रहा था कि DC ने जो इस बार हॉकमैन डॉक्टर फेट वगैरह का यूज़ किया है ये इसलिए यूज़ किया था कि वो ब्लैक एडम के कैरेक्टर को हाईलाइट करके स्क्रीन प्रेजेंस उसकी और अच्छी कर सके। तो ब्लैक एडम के अलावा जो बाकी कैरेक्टर थे वो पूरी तरीके से ब्लैक एडम से ओवरशैडो हो गए। अब क्योंकि उसकी मूवी थी ये तो होना ही था, बट एक होता है ना कि यार बाकी कैरेक्टर भी उनका कुछ दिखना चाहिए, कुछ उनका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए मूवी में, वो मुझे उतना नहीं लगा। अब बात करें तो मुझे इससे भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं मूवी देखने गया था हेनरी कैविल के सुपरमैन के लिए, VFX सिनेमेटोग्राफी एक्शन सीक्वेंस के लिए जो कि मूवी में थे, और ज़्यादातर आप में से लोग भी इसीलिए गए होंगे देखने। तो जिस चीज़ के लिए हम फिल्म को देखने गए थे वो चीज़ हमें मिली, तो इस चीज़ से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो तो अभी रिव्यू करना पड़ रहा है इसलिए सारे पॉइंट्स को कवर करना पड़ रहा है, वरना मैं बता रहा हूँ मुझे पता था, सबको पता था कि हेनरी कैविल एज अ सुपरमैन उस मूवी में दिखने वाला है। एक हफ्ते से इसके ऊपर हाइप बनी है, खुद रॉक ने भी इस बात को कन्फर्म कर लिया था, बट उसके बाद भी लोगों को गूसबम्प्स आ रहे थे, वो एकदम मतलब सीट से खड़े होकर चिल्लावे ला रहे थे। तो अब आ जाते हैं इसके क्रिटिक्स रिव्यू पे। अब देखिए फिल्म की ना एक हफ्ते पहले फैन स्क्रीनिंग हुई थी और उसमें से काफ़ी तगड़े रिव्यू आ रहे थे फैंस के। मतलब लोग बोल रहे थे लिटरली ये पूरे इस डिकेड की बेस्ट सुपर हीरो मूवी है। अब इतना ज़्यादा तो नहीं होगा जाहिर सी बात है, लेकिन मैंने ट्वीट करके कहा था जितने इसके अच्छे रिव्यू आ रहे हैं अगर मूवी उसका 50% भी हुई तो ये मार्वल को इस साल कॉन्टेंट के मामले में और इसके मामले में बीट कर देगी। लेकिन अभी जब मूवी रिलीज हुई है और इसके क्रिटिक्स रिव्यू आ रहे हैं वो बिल्कुल ही उस रिव्यू के मतलब एकदम अपोजिट है। अब देखिए रोटेन टोमेटोज़ के जो रिव्यू है उस पर तो मैं कहीं भरोसा नहीं करता, ये तो मार्वल का दलाल टाइप का ही है। इसके अलावा इंडी वायर वगैरह के बहुत सारे क्रिटिक्स रिव्यू हैं, वो ज़्यादातर रिव्यूज जो हैं ये ब्लैक एडम के नेगेटिव रिव्यू ही हैं। मतलब कुछ कुछ ने तो साफ साफ इसको मार्वल से कंपेयर करके इसकी बेइज्जती करी है। अब उससे आप समझ सकते हो वो क्यों कर रहे हैं, रिव्यू कहाँ से आ रहा है। और मैं ये सब समझ रहा हूँ वो करना क्या चाहते हैं, वो यही सब चीज़ें करना चाहते हैं जो उन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के साथ किया था। वो मूवी इतनी अच्छी मास्टरपीस टाइप की मूवी, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। वॉर्नर ब्रोस को वो मूवी इसलिए बेकार लगती है क्योंकि कुछ सो कॉल्ड क्रिटिक्स ने उस मूवी को बेकार कहा था। फैंस को वो मूवी भी उस टाइम पे अच्छी लगी थी और कुछ फैंस को वो अच्छी इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि यार ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो होते हैं उनका खुद का कोई ओपिनियन होता ही नहीं है, वो कहीं देखते हैं और उसके थ्रू अपना ओपिनियन बनाते हैं। तो देन उन्होंने क्रिटिक्स रिव्यू देखा, फिर उन्होंने मिलाया ये जो बोल रहे हैं हाँ वैसा ही था फिल्म में, और उसके बाद वो फिल्म को बेकार बोल रहे थे। और ऐसे लोग मुझे काफ़ी बेकार लगते हैं क्योंकि यही सेम लोग 5 साल बाद 10 साल बाद उस मूवी को मास्टरपीस कह रहे होते हैं, एकदम भरपूर प्रेज कर रहे होते हैं और उसका सेकेंड पार्ट उसके सीरीज़ के लिए डिमांड कर रहे होते हैं। अब बहन जो यही प्रेज अगर तुमने शुरुआत में दिखाई होती तो उसके एक्चुअल में सेकंड पार्ट वगैरह आ गया होते। और जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ऐसे स्टार वॉर्स के फैन होते हैं। तो क्या इन सब से तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जो चीज़ देखने के लिए तुम मूवी देखने गए थे वो तुम्हें मिला है ना। तुम उस टाइम को याद करो जब तुम थिएटर से बाहर निकल रहे तब तुम्हें मूवी ने कैसा एक्सपीरियंस दिया था। ये बात की चीज़ें छोड़ दो जब तुम किसी का रिव्यू देख रहे हो और उसके ओपिनियन को अपना बना रहे हो फिर इसके बारे में कह रहे हो। मूवी अच्छी थी और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा इस मूवी के साथ वो सब मत होने देना तो उस टाइम पे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के साथ हुआ था। मूवी देखो जाके थिएटर में, अच्छी रेटिंग्स दो ताकि आगे जो रॉक जिस दिशा में काम कर रहा है और कह रहे हैं
और जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो रिस्टोर द स्नाइडरवर्स जो है ट्रेंड करने लगता है, और होपफुली कभी रॉक उस चीज़ को भी पॉसिबल कर दे, क्योंकि इस टाइम पे सारी जो उम्मीदें हैं वो ब्लैक एडम और द रॉक पे ही है। जैसे उसने हेनरी कैविल को वापस लाया, बेन एफ्लिक वगैरह, एक टाइम पे हर चीज़ ठीक हो जाएगा। और कह सकते हैं हम कि ये डीसी का नया फेज शुरू हुआ है। आप उस सारी मूवी को मान लो वो फेज़ वन की मूवी थी, और यहाँ से अब हमारा फेज टू स्टार्ट हो रहा है, और देखते हैं इसका कंक्लूजन कैसे होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर किसी ने इसका पोस्ट क्रेडिट सीन किसी को देखना है एक्सप्लेनेशन, वैसे तो एक हफ्ते से ये सब चल रहा है तो सबको पता ही होगा, फिर भी अगर किसी को देखना है तो नीचे उसकी भी लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।